नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में महिला की नशे की हालत में गैंगरेप कर की गई हत्या, बना दिया दुर्घटना, निष्पक्ष जांच की पुलिस अधीक्षक से मांग की। खबर रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। वैसे तो हम आपको अक्सर दिखाते और बताते रहते हैं कि जिले में किस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली चल रही है, किस तरह से निरीक्षक स्तर के थानों में सब इंस्पेक्टरों की भर्ती कर मनमानी की जा रही है। लेकिन आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली और उसके द्वारा खाकी की वर्दी पहनते समय खाई जाने वाली कसमों को कलंकित कर दिया है। पूरा मामला सेमरिया थाना क्षेत्र का है, जहां 27 मार्च को रगौली निवासी महिला की ट्रैक्टर में दबने से मौत बताकर पोस्टमार्टम कराया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। उक्त मामले को सड़क दुर्घटना न मानकर हत्या की साजिश बताते हुए मृतिका का की मां और परिजन थाना भी पहुंचे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। शुक्रवार को परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़ितों की माने तो उक्त महिला के साथ 3 युवकों ने मिलकर गैंगरेप किया। जब उसने किसी से बताने की बात कही तो गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और मामले को छिपाने के लिए रात में ही ट्रैक्टर से अस्पताल ले जाने की बात कहकर ट्रैक्टर पलटाया और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। दरअसल महिला की मां ने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि इस पूरे मामले में उसका दामाद सोनू आदिवासी भी शामिल है। पीड़ितों ने बताया कि उनकी बेटी का विवाह रगौली निवासी सोनू आदिवासी के साथ हुआ था। 27 फरवरी को रगौली निवासी शैलेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह एवं आशीष सिंह ने उसके दामाद सोनू के मड़ाई में पहुंचे और सोनू कॉल को मुर्गा लेने के लिए रगौली लालजी सिंह की दुकान भेज दिया और मुर्गा बनाने की बात कहते हुए शादी में शामिल होने की बात कहकर वहां से चले गए। रात्रि में मुर्गा सोनू आदिवासी की मड़ाई में बना, जहां धर्मेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, आशीष सिंह और सोनू आदिवासी ने जमकर शराब और मुर्गा पार्टी की। रात्रि करीब 1 बजे जब नशा अपने शबाब पर पहुंचा तो सोनू को आवारा जानवरों को भगाने की बात कहकर खेत में भेज दिया। जब सोनू आदिवासी जानवरों को भगाने खेत चला गया और उसकी पत्नी घर में अकेली रह गई, तभी धर्मेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, आशीष सिंह उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया तथा जब उसने उक्त मामले की शिकायत करने की बात कही तो गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। अपराध से बचने के लिए ट्रैक्टर से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की बात प्रचारित की गई और ये बताया गया कि बीमार होने पर एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके चलते ट्रैक्टर से उपचार के लिए ले जा रहे थे। मृतिका के परिजनों ने बताया कि पूरे घटना की चश्मदीद मंजू प्रजापति, आकांक्षा उर्फ पोटलिया आदिवासी पुत्री लल्ला कोल और सोनू कोल को जानकारी है। अगर पुलिस इनसे कड़ाई से पूछताछ करती तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाता, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते हत्यारों को बचाने के लिए सड़क दुर्घटना बताया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि उक्त साजिश के दोषियों और तथ्य छिपाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही होती है या फिर एक बार एक आदिवासी महिला की हत्या को दुर्घटना बताकर मामले को ठंडे बस्ते में डालकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर क्या मांग की है। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्लू, आदिवासी। हाँ, मैं समस्या लेके आया कि जो मेरे भतीजिन के दुर्घटना भाई, मुर्गा दारू जो शराब जो खाया पिया कुछ भी किया उधर मौत कर दिया। ट्रैक्टर में फोकट का उसको ट्रैक्टर का पलटाया गया, वो जो बॉडी परी रहती तो उसका लीदी पिलीदी निकल जाती तो वो उसके चोट नहीं लगी रही, उसके चोट कहाँ पर में लगी रही, गला में। तो हम लोग कहाँ दिखा, जाके सिमरिया में दिखा पोस्ट, जहाँ पोस्ट मॉडल होता वो हम लोग रोक लगा के कहाँ लेके आए, रीवा लेके आए, रीवा से घर लेके गया, घर में आधी दूरी गया तो उसको छोड़ दिया और चला आया गाँव अपने। कब की घटना है, कहाँ की घटना है? ये रगौली का घटना है, 27 तारीख को रात में। कौन किया है सब ये सब, कौन किया है? सोनू किया, वो उसका आदमी है, उसका पार्टी बता रहे हैं। हाँ, वो पार्टी भी चलाते रही है, ये दारू गांजा के शराब के मुर्गा बना रहा है उसमें, वो जो बना रहा था वही उन लोग किया होएगा, और कौन किया होएगा उसकी मौत।
थाना गए थे आप? सिमरिया थाना, सिमरिया थाना गए तो हमारा लोगों के पूछ नहीं भय ठड़े रहा। पुलिस क्या पूछना चाहिए कि आप कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, आपका कौन है, लड़की है कि बिटिया है, कौन है भाई, भतीजी नहीं भाई, कौन है, कहाँ से आया, तो वो तो पूछा नहीं है। तो पुलिस हम लोगों से पूछा नहीं, बयान नहीं लिया, तो हम लोग रुक ही गया। तब क्या चाहते हैं आज एसपी ऑफिस आए? तो आज एसपी ऑफिस आए, इसमें न्यायालय हम लोगों को मिला चाहिए, जो जांच प्रक्रिया होना चाहिए कि अपराधियों को सजा होना चाहिए, पकड़ जाना चाहिए, जांच अच्छे से। का नाम क्या है जो खत्म है? जो गोली नाम है, गोली आदिवासी सिमरिया के रहने वाले, उसके पास 3 बिटिया हैं और 1 लड़का है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है लल्लू।